हमारे पास ये गार्लिक मायो है, साथ में बारबेक्यू सॉस है, फिर हमारे पास चिली गार्लिक है, ग्रीन चिली है, फिर हमारे पास स्वीट चिली भी है, बारबेक्यू है, इमली है, थाउजेंड आइलैंड है, ये सॉसेज है हमारी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज हम आपको लेके आए हैं टोर्नेडो फ्राइज पे, जो कि स्विक सेंटर फेस फोर में है। तो इनके फ्राइज की बहुत तारीफ सुनी है हमने, तो आज हम इनके फ्राइज ट्राई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? आपका नाम क्या? बिलाल जी। लादा ही क्या है लादा ही, आपकी स्पेशलिटी क्या है? तो फ्राइज में स्पेशलिटी हमारी रोटी फ्राइज, जो कि कर्ली फ्राइज है, बहुत अच्छी है। बाकी भी प्राइस सारी अच्छी हैं। जो मोस्ट फेमस है आप? मोस्ट फेमस आप कर्ली फ्राइज ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा खाने। तो ये आपका मेन्यू है? मेन्यू हमारा ये है। आप हमें कौन से फ्राइज खिला रहे हैं? मैं लूपी फ्राइज रिकमेंड करूंगा आपको, क्योंकि ये बेस्ट है हमारे। तो सही है, चलें ठीक है, आप हमारे लिए एक रेगुलर बॉक्स तैयार करें। ठीक हो गया सर। तो गाइस ये हमारे लोपी फ्राइज तैयार होने लगे हैं। तो बिलाल भाई इनको कितना टाइम लगता है? सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, तो ये 5 मिनट में रेडी हो जाते हैं। सिंपल फ्राइज तो हर जगह होते हैं, फ्रेंच फ्राइज जिस तरह मोस्ट फेमस, लोग फ्रेंच फ्राइज ज़्यादा लाइक करते हैं। फ्रेंच फ्राइज असल में यहाँ पे लोग ज़्यादा बच्चों के लिए लेते हैं, बच्चे शौक से खाते हैं फ्रेंच फ्राइज। बाकी लोग जो हैं वो कर्ली फ्राइज ट्राई करते हैं, स्टेक फ्राइज भी खाते हैं, उसके बाद पोटैटो वेजेस हैं हमारे पास, वो खाते हैं लोग। सही। लुक वाइज तो देखने में तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। देखने में अच्छे हैं ये, टेस्ट में भी बड़े अच्छे हैं। आप खाएं, आपको चले इंशाल्लाह ट्राई करते हैं। ये देखिए गाइस, वाओ तो बिलाल भाई ये आपकी शॉप का एड्रेस क्या है? एड्रेस अगर हमारा अगर लोगों ने आना हो तो किस जगह पे? सिविक सेंटर में बिल्कुल फ्रंट पे है, स्टॉप एंड शॉप पे। सही। और आप डिलीवरी वगैरह भी देते हैं? डिलीवरी भी होती है हमारी, बैरियर टाउन में है, मीडिया टाउन में है। वेरी गुड। और आपकी शॉप की टाइमिंग क्या है? शॉप की टाइमिंग हमारी सुबह, मतलब शाम 4 से सुबह 4 तक है। शाम 4 से सुबह 4 तक। सही हो गया। ये देखें गाइस, बस ये रेडी है, बिल्कुल रेडी है। ओके, नॉट बैड। तो इनमें ऑयल ज़्यादा तो नहीं है एब्जॉर्ब कर? नॉर्मल जो फ्राइज हैं उनसे थोड़ा ये ज़्यादा, मतलब ऑयल ये करते हैं एब्जॉर्ब। तो आप ये बच्चों के लिए रिकमेंड करते हैं, बड़ों के लिए रिकमेंड करते हैं? मैं ये बड़ों के लिए रिकमेंड करता हूँ। और बच्चों के लिए सिंपल तो वही फ्राइज हैं। दूसरे नंबर पे मतलब ये ऑयल भी इनमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अब ये इसके ऊपर इन्होंने सीजनिंग की है, ये इसके ऊपर आपने क्या डाला? सीजनिंग की है बस। सही। तो ये आपकी कोई सीक्रेट सीजनिंग है? ये बताना नहीं चाहिए। ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम। ये देखें गाइस, वाह, ये सर इसके ऊपर कुछ और के कंप्लीट है अभी? ये नहीं कंप्लीट तो नहीं हुआ। हम आप इस पे गार्लिक मायो खाएं, बारबेक्यू खाएं, मतलब आप टेस्ट के लिए आपको जो सी सॉस आपको पसंद है तो आप वो मतलब यूज़ कर सकते हैं। अभी आप हम आपको गार्लिक मायो टेस्ट करा दें। ओके, तो ये टोर्नेडो की स्पेशल सॉस है। हमारे पास ये गार्लिक मायो है, साथ में बारबेक्यू सॉस है, फिर हमारे पास चिली गार्लिक है, ग्रीन चिली है, फिर हमारे पास स्वीट चिली भी है, बारबेक्यू है, इमली है, थाउजेंड आइलैंड है, ये सॉसेज हैं हमारी। बिलाल भाई आप क्या रिकमेंड करते हैं, सबसे बेस्ट कौन सी आपकी सॉस है जो टोर्नेडो के ऊपर बहुत ही मज़ा करवाए? लाइक टोर्नेडो के साथ आप गार्लिक मायो यूज़ करें तो वो बहुत ज़्यादा मज़े की है। ओके, बाकी सॉसेज भी अच्छी हैं, यानी कि वो बुरी हैं, लेकिन गार्लिक मायो टेस्ट सही, यानी कि गार्लिक मायो रिकमेंड की है।
बिलाल भाई ने। तो गाइज आप जब भी आएँ यहाँ पे गार्लिक मायो ही डलवाइएगा ऊपर। तो अभी हम इसको ट्राई करते हैं। लाल भाई इधर रखते हैं आप, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। देखने में तो काफ़ी टेस्टी और क्रिस्पी लग रहे हैं। सॉस बहुत ही मज़े की है इनकी। ये हैं इनके लोपी फ्राइज। तो ठीक है गाइस, मैं इसको जल्दी से ख़त्म करता हूँ। इनकी सॉस बहुत औसम है। और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।